अरे भाई हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप, आपने ऐसे कैद करके रखा है हमें सर, यहाँ से आपने हमें कैद करके रखा है वही सिक्योरिटी के लिए सर। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब हर पार्टी के बड़े नेता गुजरात पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गुजरात पहुंचे, लेकिन वहां गुजरात पुलिस से उनकी तीखी बहस हो गई। आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं, हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को, आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है आपके नेताओं को, कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर, जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। अरे भाई हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप, आपने ऐसे कैद करके रखा है हमें सर, यहाँ से आपने हमें कैद करके रखा है सिक्योरिटी के लिए सर। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में होटल से एक ऑटो वाले के यहाँ खाना खाने जा रहे थे और वो अपनी गाड़ी से न जाकर उसी के ऑटो में बैठकर जाना चाहते थे, लेकिन बीच में ही अहमदाबाद पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें जाने से रोका, इसी दौरान बहस हो गई। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि सीएम केजरीवाल कह रहे हैं, आप मुझे कैद कर रहे हैं, मैं जनता का आदमी हूँ, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए, आपने ऐसे कैद करके रखा है हमें। इस दौरान पुलिस अधिकारी कहते हैं, सर ये प्रोटोकॉल है। इस पर सीएम केजरीवाल पलटवार करते हैं, हमें आपका प्रोटोकॉल और आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए, आप मुझे जनता में जाने से नहीं रोक सकते। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल, हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, मुझे जनता में जाना है। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात पर पूरा ध्यान लगा रहे हैं और आए दिन गुजरात के दौरे कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि बीजेपी से जो वोटर नाराज हैं वो कांग्रेस के पाले में न जाकर उनके पाले में आ जाएं। आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं, हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को, आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है आपके नेताओं को, कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर, जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। अरे भाई हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप, आपने ऐसे कैद करके रखा है हमें सर, यहाँ से आपने हमें कैद करके रखा है सिक्योरिटी के लिए सर, कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए, मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं।